श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है बच्चों, आप सभी को ईओवाई एग्जाम रिवीजन यानी वर्कशीट 3 यानी डे 1 डे 2 के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो बच्चों, आज हम डे 3 के बारे में आने वाले वर्कशीट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे इस डे 3 के यानी डे 3 में आने वाले वर्कशीट के बारे में आपको जानकारी है। तो इस वर्कशीट में आने वाले पार्ट है, मैं सबसे छोटी हूँ और एक रानी का बदला। इस पार्ट में आने वाले प्रश्नों के बारे में आपको क्या है, यहाँ पर वर्कशीट यहाँ पर दिए गए हैं। इस वर्कशीट में आपको क्या है, किस तरह से इस पार्ट के आंसर को हमें उत्तर हमें क्या है लिखना है, उसके बारे में आपको क्या है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे देखिए किसने किससे कहाँ लिखिए, यहाँ पे किसने किसे कहता है वो हमें क्या यहाँ पर लिखना है बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको क्या है बच्चों, मैं सबसे छोटी हूँ आपको क्या है, ऑफलाइन भी आपको हो चुका है और ऑनलाइन क्लास में भी आपको क्या है इस पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, और एक रानी का बदला भी पार्ट आपके क्या है आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन क्लास में भी। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हम MOY यानी EOY एग्जाम के उसके हिसाब से आपके हम क्या यहाँ पे वर्कशीट तैयार किया है। तो उस वर्कशीट में आने वाले प्रश्न ही आपको क्या है EOY एग्जाम में आएगा, उसी के लिए आपको क्या है इन वर्कशीट को पूरी तरह से प्रैक्टिस कर EOY एग्जाम के लिए आपको तैयार रहना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे वर्कशीट 5 यानी डे 3 में आने वाले वर्कशीट के बारे में जानकारी। तो पहला वर्कशीट यहाँ पे वर्कशीट 5 है बच्चों, यहाँ पे देखिए किसने किससे कहाँ लिखी है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, खुर्दा की विशाल सेना से जीत पाना संभव नहीं है। खुर्दा की विशाल सेना से जीत पाना संभव नहीं है, ये बात किसने किससे कहता है। तो यहाँ पर देखिए सेनापति ने अपनी रानी सुखदेवी से कहता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे हम अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी उन्हें नहीं देंगे। तो यहाँ पर रानी सुखदेवी ने यहाँ पे मंत्री से कहती है। तो तीसरा प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे मैं हमेशा के लिए आपका ऋणी हो गया। तो यहाँ पे क्या है, खुर्दा के राजा ने अपने रानी सुखदेवी से कहता है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड मिनट में आइए बच्चों, सोचिए समझिए और लिखिए। हमें सोचना है और समझना है और लिखना है बच्चों। तो हमें एक आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको एक पहला आपको क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त दिया गया है। यहाँ पे देखिए स्व प्लस तंत्र प्लस ता यानी स्वतंत्रता, यहाँ पे शब्द को क्या है हमें सोचना है और समझना है और यहाँ पे इन शब्द को क्या है पूर्ण करना है बच्चों। तो दूसरा यहाँ पर देखिए सहयोगी मतलब कि सहयोगी शब्द है यहाँ पे, इसे हमें किस तरह से सोचना है और समझना है और लिखना है। सह प्लस योगी प्लस ई यानी संयोगी। तो यहाँ पर देखिए निवास हो गया, यहाँ पे निवासी शब्द है बच्चों, यहाँ पे निवास हो गया है निवासी यानी नी प्लस वास प्लस इस यानी निवासी। आपको संधि प्रथम यहाँ के संधि मतलब कि शब्द को विच्छेद करना है मतलब कि शब्द को छुड़ाना है बच्चों। और इसी तरह से देखिए बच्चों यहाँ पे दिया गया है अ प्लस सहन प्लस इस यानी असहनी मतलब कि यहाँ पे क्या है असहनी। और यहाँ पर देखिए पांचवा शब्द है बच्चों यहाँ पे स प्लस यहाँ पे सहृदयता और स प्लस हृदय मतलब कि हृदय प्लस ता यानी सहृदयता। तो इस तरह से क्या है बच्चों आपको इस वर्कशीट को पूर्ण करना है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे वर्कशीट 6 में आइए, इन मैं सबसे छोटी हूँ और एक रानी का बदला इस पार्ट में आने वाले प्रश्न उत्तर को किस तरह से हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे किस तरह से हमें लिखना है, बचपन में माँ किसकी बातें सुनाती थी। तो
यहाँ पर देखिए, बचपन में माँ किसकी बातें सुनाती थी? तो बचपन में माँ ने परियों की कहानी की बातें सुनाती थी। तो दूसरा प्रश्न है बच्चे यहाँ पे, लड़की किसकी छाया में छिपे रहना चाहती है? तो यहाँ पर देखिए, लड़की किसकी छाया में छिपे रहना चाहती है? तो देखिए, लड़की अपनी माँ की छाया में यानी अपनी माँ की आंचल में छिपी रहना चाहती है। और तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, कविता के अंत में लड़की माँ से क्या दिखाने के लिए कहती है? तो कविता के अंत में लड़की ने अपनी माँ से उगता हुआ चांद दिखाने के लिए कहती है। तो चलिए बच्चों, चौथा प्रश्न यहाँ पे, धनुर्जय कौन थे? तो यहाँ पर देखिए, धनुर्जय एक बंकी के राजा थे। तो पांचवा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, रानी सुखदेई किसमें माहिर थी? तो उत्तर है बच्चों यहाँ पे, रानी सुखदेई घुड़सवारी में माहिर थी। तो यहाँ पर देखिए, छठा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, रानी सुखदेई ने क्या खबर सुनी? तो यहाँ पर देखिए, रानी सुखदेई ने राजा की विजय के बारे में खबर सुनती है। तो इस तरह से क्या है बच्चों यहाँ पे, डे 3 के वर्कशीट के बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो आपको क्या है बच्चों, अच्छे तरह से इन सभी प्रश्नों को देखकर इस वर्कशीट को प्रैक्टिस कीजिए और EOI एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। तो जब तक के लिए बच्चों, हम अगली कक्षा में यहाँ पे क्या है, डे 3 पार्ट यहाँ पे क्या है, समाप्त होता है। तो बच्चों, हम अगली कक्षा में इससे भी ज़्यादा जानकारी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।